नमस्कार, मैं हूं नीलू। मेरे साथ है मेरी सहयोगी नलिनी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है हाथरस हादसे से जुड़ी हुई। यह खबर हम आपको बता दें, बाबा के काफिले का सीसीटीवी अब सामने आ गया है। हाथरस हादसे के बाद बाबा का काफिला निकला था। काफिले की गाड़ियां सीसीटीवी में निकलती दिखाई दी है। और जिस तरह से बताया गया है, एसडीएम ने जो डीएम को रिपोर्ट दी है उसमें यही कहा गया है कि बाबा के काफिले की गाड़ी जैसे ही वहां से निकली है, लोग उनकी तरफ भागे हैं, उनकी चरण धूलि लेने के लिए भागे थे। और जब सेवादारों ने उन्हें रोका तो फिर वहां पर धक्का मुक्की हुई और इसके बाद वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और इसके बाद इतना बड़ा हादसा हो गया। अब ये जो बाबा के काफिले का सीसीटीवी सामने आ गया है, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से बाबा के काफिले का जो सीसीटीवी सामने आया है उसमें बाबा की गाड़ियां एक के बाद एक निकलती दिखाई दे रही हैं। और बताया यह भी गया था कि किस तरह से बाबा वहां से निकले हैं, बाबा की तरफ भीड़ दौड़ी है और इसके बाद यह बड़ा हादसा हो गया। हालांकि बाबा भी अपनी तरफ से सफाई दे रहा है कि जब मैं वहां से निकल गया और उसके बाद यह सब कुछ हुआ है, आखिर मेरी गलती कहां है। लेकिन गलती यह है कि इतनी बड़ी संख्या में बाबा के दरबार में बाबा के प्रवचन को सुनने के लिए लोग पहुंचे थे और बाबा से मिलने नहीं दिया गया, जिसके बाद इतनी जबरदस्त भगदड़ मची। तो हाथरस में हुई भगदड़ से पहले का नया वीडियो सामने आ चुका है। वीडियो में लाखों लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है और ये भीड़ काफी दूर दूर तक नजर आ रही है। ये देखिए तस्वीरें, सड़क पर सेवादार वर्दी पहने और टोपी लगाए दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान पुलिस की तैनाती ना के बराबर नजर आई। तो ये तस्वीरें, दो सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है टेलीविजन स्क्रीन पर, कितनी जबरदस्त भीड़ थी उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुमित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गया। सुमित, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। हालांकि जो कुंडली है बाबा की खंगाली जा रही है, लेकिन जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें बाबा भागता हुआ नजर आया है गाड़ियों से। कब का ये वीडियो बताया जा रहा है? क्रम था 2 तारीख का, जब बाबा का प्रवचन देने बाबा का वो सत्संग जो प्रवचन स्थल था वहां पहुंचे थे। अपने सत्संग के बाद जैसे ही बाबा वहां से निकले थे, जब ये भगदड़ वहां मची थी जहां कई लोगों की मौत हुई है, उसके बाद का ये फुटेज वहां आगे लगे पेट्रोल पंप है जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। बाबा का काफिला वहां से लगभग 1:30 बजे के करीब निकलता हुआ नजर आया है। और ये यहाँ पर जब बाबा निकल रहे थे तो पहले बाबा के जो सुरक्षा कर्मी थे, जो बाबा की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं हमेशा पिंक कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए, वो पहले पेट्रोल पंप पर पहुंचे और पेट्रोल पंप पर उन्होंने पूरा रोड ब्लॉक कराया जैसे कि कोई भी बाबा तो के सामने भगदड़ के बाद की तस्वीरें हैं या पहले की तस्वीरें जो एक काफिला बाबा का निकलता नजर आ रहा है? देखिए, जिस समय बाबा का काफिला निकल रहा था उसी समय में भगदड़ शुरू हो गई थी। भगदड़ के बाद का ये सीसीटीवी है, जो वहाँ भगदड़ थी जब लोग मर रहे थे तब बाबा अपनी गाड़ी में बैठ के वहां से निकल रहे थे, भाग रहे थे, ये भी कह सकते हैं कि बाबा वहां से भाग। यानी सुमित, साफ तौर से गलती बाबा के सेवादारों की है कि इतनी भारी संख्या में लोगों को रोक के रखा, लोग पैनिक कर गए वहां पर, बाबा की तरफ भागे और फिर इतना बड़ा हादसा हो गया। जी, मैं आपको बिल्कुल यही बता रहा हूँ कि अगर बाबा चाहते, अगर बाबा के सुरक्षाकर्मी चाहते, क्योंकि बाबा के सुरक्षाकर्मी भी कई हजारों में थे, उनकी संख्या भी कई हजारों में थी, अगर वो चाहते तो वहां पर रुककर इस पूरी व्यवस्था को देखते और लोगों की शायद मौत ना होती, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां मरे हैं और तो इतनी बड़ी घटना नहीं घट सकती। जो बाबा की सुरक्षा में लगे हुए लोगों की संख्या भी इतनी है कि बाबा जब निकलते हैं तो लोग किलोमीटरों तक रोड पूरा ब्लॉक कर देते हैं, पूरी सुरक्षा अपने हाथ में ले लेते हैं, पूरे रोड की ट्रैफिक व्यवस्था अपने हाथ में ले लेते हैं। सुमित, ये भी सुनने में आया है, कल वहां पर महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पहुंची थी, वो कह रहे थे बाबा किसी से मिलते नहीं थे, बाबा से कोई मिल नहीं सकता था, बाबा जब तक निकलते नहीं थे लोगों को वहां से निकलने नहीं दिया जाता था। ये सब बातें अब सामने आ रही है और यहाँ पर कहीं ना कहीं बाबा और उनके सेवादारों की वजह से ही इतना बड़ा हादसा हुआ, क्योंकि अगर एक एक कर वहां से लोगों को निकाल दिया जाता तो शायद स्थिति इस तरह की नहीं होती। बिल्कुल, अगर जैसा मैंने बताया कि बाबा का प्रोटोकॉल पूरा, एक तरह से आप मान लीजिए कि पूरे मुख्यमंत्री जैसा प्रोटोकॉल होता था, जब बाबा जिस स्थल पर जाते थे तो बाबा की सुरक्षाकर्मी पहले वहां जाकर मुआयना करते थे, सारी सुरक्षा की चीजें देखते थे। ये साफ तौर से इसमें कहीं भी इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है कि अगर चाहते बाबा वहां पर तो ये घटना नहीं होती, जितने लोग वहां फंसे थे उनकी जान बच सकती थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका सुमित।